नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हम यूट्यूब से किस प्रकार से रुपए कमा सकते हैं। तो वीडियो शुरू होने से पहले आप अपने भाई का नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शिवा और आप देख रहे हैं इंटरेस्टिंग टेक्निकल शिवा। तो दोस्तों, यूट्यूब पर रुपए कमाने के दो पॉइंट है जिससे बड़े बड़े यूट्यूब बहुत सारे रुपए कमा रहे हैं। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि अब इस टाइम यूट्यूबर बनना बहुत ही आसान है क्योंकि शॉर्ट का भी ऑप्शन आ चुका है। दोस्तों, यूट्यूब एक न्यू अपडेट लेके आया जिसके अंदर 10,000 सब्सक्राइबर और 10,000 घंटे वॉच टाइम मांगेगा। अब तो वो 2021 के बाद में लागू होगा, लेकिन अब 2021 में 1,000 सब्सक्राइबर और 4,000 घंटे मांग रहा है, तो अभी बनना आसान है, फिर मुश्किल हो जाएगा। चलो दोस्तों, चलते हैं मेन मुद्दे पर। तो दोस्तों, जो एक नंबर पर आता है वो है एडसेंस। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों YouTube पर कोई भी आप वीडियो वॉच किए हो तो वहां पर आपको 3 सेकंड का एक एड आता है। जी हाँ दोस्तों, उसी से उनको रुपए मिलते हैं। तो दोस्तों, इस एडसेंस को चालू करने के लिए YouTube पर 1,000 सब्सक्राइबर और 4,000 घंटे वॉच टाइम कंप्लीट करना होता है। दोस्तों, सब्सक्राइबर और वॉच टाइम कंप्लीट करने के बाद में YouTube पर एडसेंस मतलब एड आने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, कुछ लोगों को पता होगा और कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि YouTube पहले 3 मिनट की वीडियो में एक एड देता था, लेकिन अब 3-3 एड देने लगा है। तो दोस्तों, आपको एक और इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ कि अगर आपकी वीडियो 10 मिनट से ज्यादा है तो आप अपनी मनचाहे मतलब आप कितनी भी एड लगा सकते हो अपनी वीडियो में। ये तो टॉपिक था, ये पहला टॉपिक था। आप चलते हैं दूसरे टॉपिक की ओर। तो दूसरा जो टॉपिक है वो है पेड प्रमोशन। जी हाँ दोस्तों, यूट्यूब के अंदर भी पेड प्रमोशन होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि पेड प्रमोशन किस प्रकार से होता है यूट्यूब पर। यूट्यूब पर जो पेड प्रमोशन है वो ऐप और वेबसाइट का होता है। जी हाँ दोस्तों, आप कुछ चैनल्स के भी पेड प्रमोशन कर सकते हो, वो एप्लीकेशन और वेबसाइट का पेड प्रमोशन होता है। तो दोस्तों, जो न्यू अपनी वेबसाइट क्रिएट करता है या फिर कोई अपना न्यू मोबाइल एप्लीकेशन बनाता है मतलब क्रिएट करता है, वेबसाइट या फिर ऐप पर ट्रैफिक लाने के लिए अपने यूट्यूबरों को वो कुछ पैसे देता है और वो अपनी वीडियो में उस ऐप या फिर वेबसाइट के रिव्यू करता है, जिससे उसकी वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन पर ट्रैफिक जाता है और ट्रैफिक आने से वो अपनी वेबसाइट या फिर ऐप में एडसेंस लगा देता है, जिसके कारण वो अपने रुपए जो इन्वेस्ट किए हैं वो इंक्रीज कर लेता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि कभी भी सब्सक्राइबर पर रुपए नहीं मिलते हैं। जो पेड प्रमोशन है वो सब्सक्राइबर पर नहीं दोस्तों, वो व्यू पर होता है। तो दोस्तों, अगर आपके चैनल पर 1,000 से प्लस व्यू आते हैं तो आप 4,000 से 5,000 रुपए के बीच में ले सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपका 10,000 प्लस व्यू आता है तो आप 50,000 से 60,000 रुपए ले सकते हो। दोस्तों, आपके चैनल से उस वेबसाइट या फिर ऐप को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो वो आपसे पेड प्रमोशन और करवाएगा, नेक्स्ट पर पेड प्रमोशन आपसे ही करवाएगा। दोस्तों, आप इस प्रकार से एक मंथ के अंदर 3 से 4 पेड प्रमोशन ले सकते हो आराम से। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों कैसी लगी आज की ये वीडियो? अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय।